नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को 3 साल पूरे कर लिए। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मौके पर मोदी सरकार ने नया नारा दिया है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। शुक्रवार को इस स्लोगन को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो पर चलाया जाएगा और साथ ही आज के कई न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश किया जाएगा। यूपी के सहारनपुर में हिंसा के बाद राज्य के गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा और एडीजी आदित्य मिश्रा शब्बीरपुर गांव के घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करके शांति बनाए रखने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं दोनों समुदाय के लोगों से माफी भी मांगी। गृह सचिव ने दोनों समुदायों को आश्वासन दिया कि जिन जिन पुलिस वालों ने अपनी दायित्व निभाने में कोताही बरती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री, विधायक और स्थानीय कार्यकर्ता यह बताने में असमर्थ है कि मोहल्ला सभा का फंड आखिर कहां गया। करीब 2 साल पहले स्थानीय प्रशासन निकाय ने दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में बैठक के बाद मोहल्ला सभा के लिए फंड का वितरण किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फंड का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। द्वितीय रामनाथ गोयनका व्याख्यान में गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने का अधिकार राष्ट्र के संरक्षण की बुनियाद है, खासतौर में ऐसे समय में जब सबसे ऊंची आवाज में बोलने वालों के शोर से असहमति की आवाज डूब रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत सरकार को पत्र लिखकर आगामी पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने की इजाजत मांगी है। पीसीबी ने बीसीसीआई को नोटिस भेजा है जिसमें उसने भारत का दोनों बोर्ड के बीच हुए समझौते पत्र का सम्मान नहीं करने के लिए करीब 6 करोड़ 94 लाख डॉलर के मुआवजे का दावा किया है।